सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हाउस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वेनेसडे के दिन पे किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया वो प्रीवियस जो गैप डाउन हुआ था तो उसके यहाँ पे आया। तो ये गैप डाउन कितने का था, 41,200 से लेके 40,800 की लेवल में ये गैप डाउन था। ओके, तो ये रेंज फील होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अपकमिंग जो 2 से 3 दिन है उसके अंदर ये गैप अप हो जाएगा। ओके, तो ये गैप फील होने के बाद में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ओके, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कौन से लेवल का है, तो 41,000 के लेवल तक का एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे तो ये 41,000 का जो लेवल है उसके आसपास का एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है मार्केट तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो कौन से लेवल तक का होगा, तो ये वाला जो लेवल है 41,600 का जो लेवल है वहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। वो लेवल भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो होगा 42,000 के लेवल तक का। ओके, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक करता है मार्केट तो 43,000 का जो जोन है वहां तक मार्केट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये जो मोमेंटम है वो अप्रैल के एंडिंग एंडिंग तक हो जाएगा ऐसे मेरे को लगता है। ओके, तो ये कुछ लेवल्स है वो BTSG जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाले जोन तक है, 40,200 का जो जोन है तो वहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है, और एक सपोर्ट और एक है छोटा वाला, तो ये वाला जो जोन है वहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये वाला लेवल कौन सा है, तो 40,562 का जो लेवल है वहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, तो मार्केट अगर अपसाइड में निकला तो ये वाला लेवल देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हमें, 41,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 42,000 के रेंज के आसपास का टारगेट देखने मिलेगा हमें। तो अभी देखते हैं हम लोग इंट्राडे के लिए मार्केट वेनेसडे के दिन पे किस तरह से परफॉर्म होगा। तो इंट्राडे के लिए हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है मार्केट ने, तो ये वाला रेंज कौन सा है, तो ये वाला लेवल अगर मार्क करोगे तो 40,857 से लेके 40,750 का जो जोन है वहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है। ओके, तो ये रेंज का ब्रेकआउट अगर मार्केट ने अप या डाउन साइड में किया, समझो यहाँ पे मार्केट ही साइडवेज खुलता है, तो यहाँ पे मार्केट ने समझो रेंज बनाया 10 से 15 मिनट होल्ड किया और अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, तो अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा वो कौन सा होगा, तो 40,930 की जो लेवल है वहां तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। वो लेवल भी अगर ब्रेक करता है मार्केट तो 41,000 का जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाले लेवल तक का, और जो थर्ड टारगेट होगा हमारा वो 41,105 की जो लेवल होगी वहां तक का हमारा थर्ड टारगेट होगा। और मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट ने शार्प मोमेंटम दिया गैप अप ओपन होने के बाद में, तो यहाँ पे 41,200 की लेवल भी हमें देखने मिल सकती है। तो ये जो लेवल्स है वो गैप फिलिंग होगी हमारी, तो इतना हमारा गैप है जो फील होगा, प्रीवियस गैप है वो फील होगा अगर मार्केट समझो यहाँ पे रेंज बनाता है। ओके, तो रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा हमें वो 40,686 का जो लेवल है वहां तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट हमें देखने मिल सकता है तो ये वाला जो जोन है वहां तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 40,583 की लेवल तक का। अगर मार्केट और फॉल होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाले रेंज में होगा, तो ये वाला लेवल कौन सा है, 40,489 की जो लेवल है वहां तक का होगा। अगर मार्केट समझो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में समझो ये वाले रेंज में कहीं पे मिलता है, तो 40,576 से लेके 40,486 का जो लेवल है वहां पे मार्केट खुलता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट को रेंज बनाने देने वाले। तो रेंज अगर मार्केट बनाता है यहाँ पे तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट वेट करता है मार्केट और अपसाइड में निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा 40,686 की लेवल तक का, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाले लेवल तक का, तो ये वाला लेवल कौन सा है, 40,757 की लेवल तक का। अगर मार्केट समझो यहाँ पे रेंज बनाता है 15-20 मिनट रुकने के बाद में डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो डाउन साइड में हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे वो ये वाले लेवल तक का होगा 40,396 की लेवल तक का, देन सेकेंड टारगेट हमारा होगा वो 40,300 की लेवल तक का होगा, और जो लास्ट टारगेट होगा डाउन साइड में तो ये वाला जो जोन है 40,206 का जो लेवल है वहां तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ओके, अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में 41,100 की जो लेवल है वहां पे कहीं पे खुलता है, और यहाँ पे समझो मार्केट ने एक रेंज बनाई अच्छी खासी, तो
यहाँ पे मार्केट ने समझो रेंज बनाई, एक 10 से 15 20 मिनट रुका और डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, तो डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट ये वाला जो ड्रॉ किया हुआ है 40,931 का जो लेवल है वहां तक का लेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाले लेवल तक का होगा 40,863 के लेवल तक का। मार्केट समझो यहाँ पे रेंज बनाता है और अपसाइड में निकलता है, तो अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 41,200 का होगा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 41,300 के लेवल तक का होगा। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।